प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर की ऑप्टिक्स इंटरफेरेंस में। आज हम इंटरफेरेंस के इस सिक्स्थ लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, वो किस काम आता है और एक्सपेरिमेंटली हम इसको कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इट इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड इट इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट शीट एंड इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन आल्सो टू स्टैंडर्डाइजेशन टू कैलिब्रेट ए मीटर स्केल और मीटर। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज ए डिवाइस, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड, आप लिखते जाइए मेरे साथ साथ, विच इज यूज्ड टू नंबर वन टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक क्रोमेटिक लाइट। और हम देखेंगे कि कैसे ये कैलिब्रेट करते हैं, कैसे हम डिटरमाइन करते हैं वेवलेंथ को। और दूसरा पॉइंट है इसी का ही और किस काम आता है ये, इट इज यूज्ड टू मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट। एक और इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है, वो है इट इज यूज्ड टू कैलिब्रेट ए मीटर और इसको हम कैसे यूज करते हैं वो भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें ये किस सिद्धांत पर काम कर रहा है। प्यारे बच्चों, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ये उसी पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन ऑन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया कि ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। अब हम ये देखेंगे कि इस डिवाइस जो है इसकी कंस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्शन ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इसमें जो जो पॉइंट्स हैं वो साथ साथ आप लिखते जाना, मैं बता रहा हूँ, और डायग्राम भी आप बना के दे चलिए देखते हैं इसमें होता क्या क्या है। आप देख रहे हैं जो मैं बना रहा हूँ, आप साथ बनाते रहिए। ये दो ग्लास प्लेट्स हैं P1 और P2, इसकी बात कर लीजिए यहाँ पर। और P1 ग्लास प्लेट और P2 ये दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम मटेरियल की बनी हुई हैं, बट ये है कि P1 जो है ये पार्शियली जो है पॉलिश्ड है, सेमी सिल्वर्ड फ्रॉम बैक साइड, बट P2 इज जस्ट एक ऑर्डिनरी ग्लास प्लेट, बट मेटीरियल इज सेम, थिकनेस इज सेम। ये सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है और इस स्लिट, ये देखिए
इस स्लिट की सहायता से इसको नेरो किया जाता है और ये जो लाइट रे है ये इंसिडेंट हो रही है इस प्लेट P1 पर। हम ये भी कह सकते हैं कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट रे इज डिवाइडेड बाय द पार्शियली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट द सेमी सिल्वर सरफेस ऑफ दिस ग्लास प्लेट P1। ऐसे आप देखते ही मेरे साथ डायग्राम बनाते जाइएगा। ये देखिए ये जो सेमी सिल्वर्ड सरफेस है इस ग्लास प्लेट P1 का, यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो रही है लाइक दिस। और फिर ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ये इधर देखिए M1, इसके बारे में भी बताएंगे। और जस्ट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर भी एक मिरर है M2, दोनों एक दूसरे से जस्ट परपेंडिकुलर है। ये देखिए मिरर M1 एंड मिरर M2, दीज टू मिरर्स आर हाईली पॉलिश्ड। मिरर M1 इज अटैच्ड विद ए कैरियर विच इज सपोर्टेड और प्रोवाइडेड बाय ए माइक्रोमीटर स्केल। हियर यहां पर एक माइक्रोमीटर स्केल भी है। एंड M2 मिरर इज फिक्स्ड हियर बट M1 एंड M2 बोथ आर प्रोवाइडेड द बैक स्क्रूज हियर टू एडजस्ट देयर पोजिशंस। दोनों ही मिरर्स के ऊपर ये बैक स्क्रूज लगे हुए हैं लाइक दिस। मिरर M1 एंड M2 आर प्रोवाइडेड द बैक स्क्रूज टू एडजस्ट देयर पोजिशंस। अब आप यहां से देखिए कि द लाइट रे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट दिस गेट्स पार्शियली रिफ्लेक्ट एंड पार्शियली रिफ्रैक्ट एट द सेमी सिल्वर सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट P1। यहां से द रिफ्लेक्टेड लाइट रे, अब ये देखिए इस पर जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो ये इसको हम रे नंबर वन कह रहे हैं। दिस इज द रे नंबर वन, द रिफ्लेक्टेड रे नंबर वन एंड रिफ्रैक्टेड रे नंबर टू। दिस इज रे नंबर टू ट्रेवल्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइक दिस। एंड दिस इज द रे नंबर वन एंड दिस इज द रे नंबर टू। दीज टू रेज नंबर वन एंड रे नंबर टू गेट रिफ्लेक्ट from the mirror M1 and M2 like this। ये reflect होती हैं। The reflected ray from mirror M1 and mirror M2 gets superimposed at glass plate P1 and produce the interference and interference fringes। Interference fringes are observed with the help of a telescope। This is the telescope which is set normally or normal adjustment। This is a telescope। This telescope is used to observe the interference pattern। प्यारे बच्चों constructions आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मैं एक बार आपको फिर से बता ही देता हूं। It consists of number वन two glass plates P1 and P2 of same material and same thickness। P1 is partially और सेमी सिल्वर्ड फ्रॉम इट्स बैक साइड बट P2 इज जस्ट ऑर्डिनरी ग्लास प्लेट। नाउ S इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। M1 एंड M2 आर द टू हाईली पॉलिश्ड मिरर्स विच आर एडजस्टेड जस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मिरर M1 इज आल्सो अटैच्ड विद द कैरियर विच इज provided by
द माइक्रोमीटर स्केल जिसका यूज हम बताएंगे एंड एम टू इज फिक्स्ड हियर. बोथ एम वन एंड एम टू आर प्रोवाइडेड द बैक स्क्रूज टू एडजस्ट देयर पोजिशंस. अब हम देखते हैं दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न. प्यारे बच्चों अब आप इसमें कुछ एक चीजें यहां दिखाई दे रहे हैं, मैं उनकी भी बात कर लेता हूं. यहां पर वर्किंग कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम ये काम कैसे कर रहा है उसकी बात कर लेते हैं. ये देखिए ए लाइट फ्रॉम द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इंसिडेंट ऑन द ग्लास प्लेट P1 इट गेट पार्शियली रिफ्लेक्ट एंड पार्शियली रिफ्रैक्ट फ्रॉम द सेमी सिल्वर्ड सरफेस. द रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 एंड रिफ्रैक्टेड रे नंबर 2 ट्रेवल्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दीज टू रेज अगेन रिफ्लेक्ट बाई द मिरर M1 एंड M2 एंड गेट्स अ सुपरइम्पोज एंड प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस. टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न और फ्रिंजेस दिस टेलीस्कोप विच इज सेट नॉर्मल एडजस्टमेंट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व दिस पैटर्न ऑफ द इंटरफेरेंस लाइक दिस. तो दिस इज द वर्किंग. अब हम बात करते हैं कि यहाँ कुछ नज़र आ रहा होगा आपको. एक आप बार बार पूछ रहे होंगे कि ये जो प्लेट P2 है इसका यहाँ क्या रोल है, ये भी पूछा जा सकता है. यानी कि फंक्शन ऑफ द प्लेट P2 देख लेते हैं. फंक्शन ऑफ प्लेट P2, प्यारे बच्चों जो मैं बोल रहा हूँ वो आप साथ साथ डायग्राम बना करके और साथ साथ लिखते रहें. लेकिन मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में जा करके जो मैं बोल रहा हूँ इसी लैंग्वेज में आप उन नोट्स को लिंक लेकर के और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में. और फिर जो है आपकी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी अगर कहीं आप कोई चीज़ मिस कर देते हैं तो उस चीज़ को तैयार करने में. ये देखिए अब हम बात कर रहे थे कि इस प्लेट P2 का फंक्शन क्या है. ये देखिए मैं अब बताता हूँ. इस प्लेट P2 को हम कंपनसेटिंग प्लेट कहते हैं बिकॉज इट कंपनसेट द पाथ डिफरेंस. क्यों ऐसा इसकी नौबत क्यों आती है वो देखिए. नंबर 1 तो 2 बार इस ग्लास स्लैब से पास होगी और ये 1 बार भी नहीं. ड्यू टू इट एन एडिशनल जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों के बीच में. ये रे कहेगी कि मैं तो 2 बार इस ग्लास स्लैब से और ये रे नंबर 2 1 बार भी नहीं गई, तो उनके बीच में थोड़ा सा पाथ डिफरेंस आ जाएगा. अब जैसे ही हम प्लेट P2 को लगाएंगे तो ये लाइट रे भी इसमें से 1 बार जाएगी और 2 बार दूसरी बार जब रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो फिर से उसमें से पास होगी और वो दोनों आइडेंटिकल कंडीशंस हो जाती हैं. समझ गए होंगे आप कि रे नंबर इन एब्सेंस ऑफ दिस प्लेट P2 रे नंबर 1 ट्रेवल्स थ्रू द प्लेट 2 times वाइल रे नंबर 2 नॉट इवन वंस. बट यूजिंग दिस प्लेट P2 दिस कंपनसेट दैट एडिशनल पाथ डिफरेंस. दैट इज वाई द प्लेट P2 इज कॉल्ड कंपनसेटिंग प्लेट. इसे हम क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग प्लेट. पूछ लेते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेट P2 इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर. ऑन रिफ्लेक्शन यहां पर एक और चेंज आ रहा है बेटे. ये देखिए रे नंबर 1 रिफ्लेक्ट इंटरनली वाइल रे नंबर 2 रिफ्लेक्ट एक्सटर्नली. दिस इंट्रोड्यूस द एडिशनल फेज डिफरेंस पाई और पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हियर. बट दिस फेज चेंज डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द पोलिस एट सेमी सिल्वर सरफेस ऑफ द प्लेट P1. तो प्यारे बच्चों ये देखा आपने कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है और ये किस काम आता है. अब हम इसकी थ्योरी करते हैं, थ्योरी ऑफ द माइकलसन इंटरफेरोमीटर. प्यारे बच्चों देखिए
हम या इस थ्योरी में हम कंडीशंस निकालेंगे मैक्सिमा और मिनिमा की, वही बात यहां मैं कहने जा रहा था. कंडीशंस फॉर मैक्सिमाज और ब्राइट फ्रिंजेस एंड मिनिमाज. यहां एक पॉइंट नोट करने का है कि व्हेन दी एम वन एंड एम टू आर जस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन बिटवीन एम वन एंड एम टू ए यूनिफॉर्म थिकनेस की पैरेलल, ये देखिए एक फिल्म बन जाती है. और इसके अंदर इंटरफेरेंस कैसे होता है वो हमने आपको पिछले लेक्चर्स में वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है. अगर आपको समझना है अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी देख लें. फिर सुन लीजिए, व्हेन M1 एंड M2 आर जस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन बिटवीन M1 एंड M2 डैश ए एयर फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस गेट फॉर्म हियर एंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरिंग रेज इज गिवन बाय, वो जो आर्टिकल था हमने पहले डिटरमाइन किया था वहीं से वो पाथ डिफरेंस हम यूज कर रहे हैं, उसी आर्टिकल को यूज कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा टू म्यू टी कोस आर. और अगर हम एयर फिल्म की बात कर रहे हैं, यहां एयर है, ये देखिए फॉर एयर फिल्म हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए कितना लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम 1 लेते हैं. एंड फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट अगर हम नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो फिर ये जो कोस आर है दैट बिकम्स इक्वल टू 1. नाउ द इक्वेशन 1 बिकम्स, आप खुद देखिए यहां पर कि जो पाथ डिफरेंस है दैट बिकम्स 2t, ये हो गया. इतना रहेगा एयर फिल्म और नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में. और ये जो है ये सेमी सिल्वर्ड सरफेस है, उसके लिए अब हम देखते हैं और ब्राइट फ्रिंजेस. जो पाथ डिफरेंस आता है वो आपको पता ही है एन लैम्डा होता है. तो ये अगर हम इसकी इसको कंपेयर करें, यहां पाथ डिफरेंस इतना दिया हुआ है तो फिर ये कितना हो जाएगा 2t इज इक्वल टू एन लैम्डा. ये मैक्सिमा के लिए कंडीशन हो गई है. और फॉर मिनिमास मिनिमाज और डार्क फ्रिंजेज एक ही बात है, आप नोट कर लीजिए. यहां पर देख लीजिए ये जो कंडीशन होती है वो क्या होती है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2. और इस केस में हम ये जो पाथ डिफरेंस आप देख रहे हैं यहां पर ये कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 2t इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2. ये थ्योरी है इसमें जो हम यूज करेंगे. तो ये देख लीजिए प्यारे बच्चे, ये कंडीशंस तब है मैक्सिमा की और मिनिमा की जब ये जो ग्लास प्लेट P1 है ये सेमी सिल्वर्ड या पॉलिश्ड है. अगर ये अनसिल्वर्ड हो, सरफेस हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो तो फिर ये कंडीशन जस्ट रिवर्स हो जाएंगी. यानी फॉर अनसिल्वर्ड सिल्वर्ड ग्लास प्लेट P1, यहां से देखिए ये जो है फॉर मिनिमाज जो पाथ डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था ना कि इस सिल्वर्ड सरफेस की वजह से एक फेस चेंज जो है वो पाई या पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का इंट्रोड्यूस हो जाता है. तो ये जो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन है ये भी जस्ट बदल जाती है. ये देखिए मिनिमा के लिए ये आ जाएगा ये वाला, ये कंडीशन जो जो यहां पर मैक्सिमा थी विदाउट सेमी सिल्वर्ड सरफेस पे, तो अनसिल्वर्ड सरफेस के ऊपर देखिए कितना हो जाएगा, ये मिनिमा की कंडीशन हो जाएगी 2t इज इक्वल टू
एन लैम्डा, ये ध्यान रखने की बात है। और मैक्सिमा के लिए, फॉर मैक्सिमास के लिए ये वाली कंडीशन हो जाएगी, जो सेमी सिल्वर्ड के मामले में ये मिनिमा की कंडीशन थी, 2t इज इक्वल टू 2n प्लस 1। प्यारे बच्चों, ये हमारी थ्योरी है, इसके लिए आप इन पॉइंट्स को जरा नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि ये क्या है। अब ये जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर आपको दिखाई दे रहा है, इसको यूज करने से पहले इसे एडजस्ट करना पड़ता है, इसको सेट करना पड़ता है। तो वो किस तरह से हम इसको एडजस्ट करते हैं ताकि प्रॉपर रीडिंग ली जा सके, प्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अब हम वो देखते हैं। ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इसको यूज करने से पहले इसकी सेटिंग करनी पड़ती है, वो चलिए देखते हैं कैसे। आप देख रहे हैं कि ये सिचुएशन है, मैं जस्ट इसको दोबारा नहीं बना रहा हूँ, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये एक प्लेट है P1, आप देख रहे हैं ये वाली प्लेट है P1, और ये जो प्लेट आप मैं देख बता रहा हूँ आपको, ये प्लेट P2 है, ये देख लीजिए, ये प्लेट P2 और ये प्लेट P1 है। जबकि प्लेट P1 है वो सेमी सिल्वर्ड है फ्रॉम बैक साइड। अब देखिए इसमें होता क्या है, और दिस इज दी सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। जब ये लाइट यहाँ आती है तो यहाँ दो बार यही जो एक अनसिल्वर्ड सरफेस होता है ऊपर वाला, उस पर भी इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये ऊपर मिरर है हमारा M1 और ये इसकी इमेज M2 टेस, और इनके बीच ये तो थिकनेस है हम ले रहे हैं, ठीक। खैर इसकी हम बात करेंगे। यहाँ जो देखने की बात है कि जब M1 और M2 डैश एक दूसरे से जस्ट पैरेलल नहीं होते, या यूं कहिए कि M1 और M2 जस्ट परपेंडिकुलर नहीं होते, हमें इसको परपेंडिकुलर सेट करना होता है, तो क्या होता है, देखिए ये जो लाइट रे आ रही है मोनोक्रोमेटिक सोर्स से, ये इस अनसिल्वर्ड सरफेस पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। इधर भी मिरर है वो M2, वो आप देख रहे हैं, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और एक जो इससे रिफ्लेक्ट हो करके वापिस जब ये लाइट आ रही है वो भी इससे फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये देखिए। और इसकी वजह से नीचे जो इंटरफेरेंस हो रहा है, ये रे नंबर 3 है और ये नंबर 4 है, ये देख सकते हैं आप, जरा देखना। ठीक ऐसे ही ये तो हुई अनसिल्वर्ड सरफेस, इसका जो ऊपर वाला सरफेस है उस पर रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक ऐसे ही ये लाइट नीचे वाले सरफेस पर रिफ्लेक्ट होती है, जो सिल्वर्ड सरफेस होता है उस पर रिफ्लेक्शन होता है, और उसकी वजह से भी ये देखिए, एक तो ये लाइट हो गई और एक लाइट जो यहाँ से आती है, ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से लाइट आ रही है, ये भी लाइट फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, और हमें यहाँ पर भी रे नंबर 1 और रे नंबर 2 दिखाई दे रही हैं। फिर सुन लीजिए, व्हेन M1 एंड M2 आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और M1 एंड M2 डैश आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, देन वी ऑब्जर्व द 4 रेज 1, 2, 3 एंड 4। 1 and 2 rays are due to the reflection at the silvered surface, semi-silvered surface, and 3 and 4 are due to the reflection at a unsilvered surface. But क्योंकि ये silvered surface पर हो रही है, इसीलिए the ray number 1 and 2 are much brighter than the ray number 3 and 4. And so now we adjust the position of the mirrors M1 and M2 with the help of the screws, back screws which are provided there, then these ray number 1 and 2 comes towards each other. जब हम इनकी एडजस्टमेंट करते हैं तो ये एक दूसरे के नज़दीक आती हैं,
एंड देन द रे नंबर वन एंड रे नंबर टू गेट्स ओवरलैप, ये ओवरलैप कर जाती हैं. एंड व्हेन रे नंबर वन एंड रे नंबर टू गेट्स ओवरलैप, क्योंकि थ्री और फोर तो दिखाई नहीं दे रही हैं, बहुत ही इनकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही कम है. रे नंबर वन एंड टू व्हेन ओवरलैप देन द एम वन एंड एम टू डैश बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर, और यू कैन से एम वन एंड एम टू बिकम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और इस तरह से जब सेटिंग होती है तो वो नाउ दिस माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज रेडी टू यूज. इसकी एडजस्टमेंट के बाद हम देखते हैं कि जो फ्रिंजेज हमें ऑब्जर्व होती हैं वो कैसी होती हैं. और देखिए मैं बताता हूं आपको, लोकलाइज्ड फ्रिंजेज. प्यारे बच्चों, जब M1 और M2 हमने सेट किया था कि ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक दूसरे के, लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर देखिए मैं इन तीनों पोजीशंस की बात करता हूं, तो क्या सिचुएशन आती है ये देखिए. दिस इज द मिरर M1 एंड दिस इज M2 डैश. या ये सिचुएशन भी आ सकती है, देखिए आप, या तो M1 और M2 डैश इस सिचुएशन में होंगे, ये तब होगा जब M1 और M2 आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे, या फिर ये सिचुएशन भी हो सकती है. ये देखिए ये M1 है और ये M2 डैश है, या फिर ये सिचुएशन भी हो सकती है. आप देख सकते हैं कि ये हमारा M1 और ये M2 डैश. ये जब सिचुएशन होती है तो जो फ्रिंजेज हमें दिखाई देती हैं लोग, वो बिल्कुल इस टाइप की होती हैं. देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे लाइक दिस, आप देख लीजिए इनको, ये इस टाइप की फ्रिंजेज दिखाई देंगी. और इस तरह की फ्रिंजेज को हम लोकलाइज्ड फ्रिंजेज कहते हैं. ये देखिए इस केस में जब ये जस्ट इसके बीच में इंटरसेक्ट कर रहा हुआ M1 एंड M2 डैश, तो किस तरह की फ्रिंजेज दिखाई देती हैं वो देख लीजिए. ये हमें स्ट्रेट दिखाई देती हैं लाइक दिस. ये तब होता है जब व्हेन M1 एंड M2 डैश जस्ट कट एट द सेंटर ऑफ ईच अदर. और अगर ये इस तरह की है तो आप देखिए इस केस में हमें किस टाइप का जो पैटर्न इंटरफेरेंस लोकलाइज फ्रिंजेस दिखाई देती हैं वो देख लीजिएगा. ये इस टाइप की दिखाई देती है. प्यारे बच्चों, हम लोग यहां बताने जा रहे हैं कि व्हेन M1 एंड M2 आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन M1 एंड M2 डैश डज नॉट रिमेन पैरेलल एंड ए थिन यूनिफॉर्म थिकनेस फिल्म कैन नॉट बी फॉर्म हियर एंड ए वेज शेप्ड थिन फिल्म गेट फॉर्म. कैसी फिल्म बन जाती है ये? वेज शेप्ड एयर फिल्म गेट फॉर्म हियर लाइक दिस. एंड द फ्रिंजेस गेट फॉर्म हियर लाइक दिस with convexity towards the edge of wedge. Such fringes are called localized fringing. Fringes, you can see here. ये देख लीजिए. When M1 and M2 dash are not parallel, then wedge-shaped air film get formed here, and we observe the fringes विथ कॉन्वेक्सिटी टुवर्ड्स द एज ऑफ वेज. ये देखिए इस केस में ये इधर है और इस केस में ये इधर है. सच फ्रिंजेज आर कॉल्ड लोकलाइज्ड फ्रिंजेस. व्हेन M1 एंड M2 डैश कट एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ ईच अदर, देन वी ऑब्जर्व द स्ट्रेट फ्रिंजेस लाइक दिस. ये देखिए, एंड ये एडजस्टमेंट हमारी M1 और M2 के इन स्क्रूज की सहायता से की जा सकती है. तो प्यारे बच्चों, ये क्या हो गई? ये हमारी लोकलाइज्ड फ्रिंजेज होगी. किस तरह की फ्रिंजेज हमें मिलेंगी, क्योंकि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में
हम इन फ्रिंजेस को फॉर्मेशन करेंगे और फिर उनका यूज करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ ये हो सकता है कि मान लो यहाँ ये सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसको व्हाइट लाइट सोर्स से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा? फ्रिंजेस विद व्हाइट लाइट, तो उसमें पहले यही करेंगे हम। When M1 and M2 are just perpendicular to each other and M1 and M2 dash, you can say here, intersect at their center, then we observe the straight fringes. यानी कि मैं इस तरह की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, like this. This is M1 and this is M2 dash. And we observe the straight fringes. And when we replace the source of monochromatic light by the white light, then at center, ये wedge shape thin film बन रही है और ये interference हमने पीछे interference in wedge shape thin film बहुत अच्छी तरीके से किया है, पूरा डिटेल में समझाया है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से देखिएगा कि at center, where the thickness is zero, we observe the fringe of white light and that fringe is called at center we observe white light fringe or achromatic fringe at this where the thickness of the wedge shaped thin film is zero. On both sides we observe the colored fringes. दोनों तरफ जो है बीच में white light मिलेगी और दोनों तरफ हमें कुछ colored fringes मिलती हैं, मिलेंगी straight. Localized में हमने आपको बताया था, तो बीच वाली तो white light की या achromatic fringe कहेंगे और दोनों साइड में हमें कुछ कलर्ड फ्रिंजेज ऑब्जर्व होंगी। इसके जस्ट बाद हम देखेंगे कि किसी ट्रांसपेरेंट सीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर उसकी थिकनेस इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला जो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं वो है डिटरमिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्रोमेटिक लाइट यूजिंग दिस माइकलसन इंटरफेरोमीटर। और किसी भी एक्सपेरिमेंट में पहले हम उसकी थ्योरी करते हैं, तो वही थ्योरी हम यहां भी कर लेते हैं। देखिए मेरे बच्चों, हमने अभी अभी कंडीशंस निकाली थी मैक्सिमा और मिनिमा की, तो देखिए फॉर मैक्सिमास और ब्राइट फ्रिंजेस ये कंडीशन क्या थी वो आप सभी जानते हैं। इट इज इक्वल टू 2t इक्वल टू n लैम्डा। जरा ध्यान से देखिएगा इसको। अब अगर हम इसमें दोनों तरफ लैम्डा ऐड कर दें, यानी 2t प्लस लैम्डा, इट इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस लैम्डा, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो आप देखिए यहाँ टी प्लस लैम्डा बाई 2 हो रहा है, और यहाँ पर भी हम n प्लस 1 लैम्डा। यहाँ ये क्या थी, फ्रिंज का ऑर्डर था, nth फ्रिंज की बात हो रही थी। यहाँ पर कौन सी फ्रिंज आ गई है, n प्लस 1 फ्रिंज आ गई है। हम देख रहे हैं कि अगर थिकनेस लैम्डा बाई 2 इंक्रीज हो जाए, यानी कि जो फिल्म की थिकनेस है वो लैम्डा बाई 2 इंक्रीज कर दें, तो जो nth फ्रिंज थी दैट इज रिप्लेस्ड बाई n प्लस 1, यानी एक फ्रिंज शिफ्ट हो जाती है, एक दूसरी इससे अगली जो ब्राइट फ्रिंज है वो आ जाएगी। यानी मैं यही कह रहा हूं कि व्हेन थिकनेस ऑफ फिल्म इंक्रीजेस बाई
लैम्डा बाई टू, ये देखिए, देन एनथ फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज की ही बात हो रही है, एनथ फ्रिंज इज रिप्लेस्ड बाय एन प्लस वन फ्रिंज। मतलब अब हमें समझ में आ गया कि अगर जो फिल्म की थिकनेस को लेमडा बाई टू इंक्रीज कर दें तो एक फ्रिंज शिफ्ट हो जाती है। इतना आइडिया ने बाद इसी चीज़ को अब हम इस मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ को डिटरमाइन करने के लिए लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे, प्रोसीजर क्या है इसका, वो देख लें। सबसे पहले सेट द माइकलसन इंटरफेरोमीटर एज वी हैव टेल यू ऑलरेडी, सो दैट एम वन एंड एम टू बिकम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस टाइप से हमने सेट कर दिया। एंड सेट द वर्टिकल क्रॉस वायर ऑफ दिस टेलीस्कोप एट वन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, तो किसी एक ब्राइट फ्रिंज के ऊपर इसको सेट कर दीजिए। एंड नोट दी, हम यहाँ भी बताया था आपको कि यहाँ पर एक माइक्रोमीटर स्केल लगी हुई है M2 के पास, तो उस माइक्रोमीटर स्केल की, ये M1 के पास माइक्रोमीटर स्केल है, तो उसको नोट कर लीजिए। हम क्या कह रहे हैं, यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न एंड सेट द वर्टिकल क्रॉस वायर ऑफ दिस टेलीस्कोप एट वन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज एंड नोट द माइक्रोमीटर रीडिंग ऑफ दिस मिरर M1 के पास जो सेटिंग थी उसको सेट करने के बाद लेट इट बी X1, और वो रीडिंग क्या आ गई है, मान लो X1 आ गई है। नाउ अब धीरे धीरे मिरर M1 को आप इसकी थिकनेस को इंक्रीज कीजिए, इसको इन स्क्रूज की सहायता से इसकी थिकनेस को इंक्रीज कीजिए, और साथ में जो, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे थिकनेस इंक्रीज होगी, जैसा कि हमने अभी थ्योरी में पढ़ाया कि अगर लेमडा बाई टू थिकनेस इंक्रीज हो जाती है तो एक फ्रिंज शिफ्ट हो जाती है, तो हम क्या करेंगे कि मिरर M2 को मूव करवाएंगे ताकि जो फिल्म की थिकनेस है वो इंक्रीज होती रहे, और ये भी देखते रहेंगे कि कितनी फ्रिंज वहाँ शिफ्ट हो रही हैं। यानी मूव दिस मिरर M1 टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म एंड आल्सो काउंट द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस शिफ्टेड एंड नोट द फाइनल रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ n फ्रिंजेस। यानी कि नोट द माइक्रोमीटर रीडिंग आफ्टर शिफ्ट ऑफ n फ्रिंजेस, ये देख लीजिए n फ्रिंज शिफ्ट होने, n कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 30, वो चीज आप नोट कर लीजिएगा, और इतनी फ्रिंज शिफ्ट होने के बाद फिर रीडिंग नोट कर लीजिए, वो रीडिंग क्या है, लेट इट बी x2। फाइनल जो रीडिंग आई हमारी x2, और शुरू में जो रीडिंग थी वो x1 थी n शिफ्ट होने के बाद, तो कितनी थिकनेस इंक्रीज हो गई, वो इन दोनों रीडिंग्स को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, देयरफॉर x2 माइनस x1, इतनी थिकनेस इंक्रीज हो गई है एयर फिल्म की। अब देखिए, इतना हमने पहले ही बताया था कि एक फ्रिंज के शिफ्ट होने से अगर लेमडा बाई टू थिकनेस को इंक्रीज करते हैं तो एक फ्रिंज शिफ्ट होती है, अब इतनी थिकनेस इंक्रीज होने से कितनी हो जाएगी, n इंटू लेमडा बाई टू, ये देखिए, तो ये इक्वेशन अब आपके पास आ गई है, इसको थोड़ा सोल्व कर दीजिए, ये देखिए 2 इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन इट इज इक्वल टू एन लेमडा, और यहां से लेमडा आ जाएगा, लेमडा कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एन। दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन प्यारे बच्चों, आपको x1 की वैल्यू पता है, x2 की वैल्यू भी पता है, और नंबर ऑफ जो फ्रिंज शिफ्ट हुई वो भी पता है, इन तमाम वैल्यूज को पुट द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 एंड एन हियर द वेवलेंथ ऑफ द
मोनोक्रोमेटिक लाइट कैन बी डिटरमाइन बाई यूजिंग दिस फार्मूला। और इस तरीके से आपने एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन माइकलसन इंटरफेरोमीटर की सहायता से कर ली है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो एक थिन सीट है ट्रांसपेरेंट, उसकी थिकनेस या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर की सहायता से कैसे मेजर करेंगे। आप इन्हें नोट करते रहिएगा, अपने हाथ से नोट्स बनाइए। जो मेहनत होती है ना प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने लिए। अगर आप स्कोरिंग करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि खुद जो है प्रैक्टिस करें, खुद काम करें, खुद अपनी नोट्स को बनाएं, अपनी खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, खुद की समझ में आने चाहिए। और ये वीडियो मेरा बनाने के पीछे भी यही एक मोटिव है कि आप हर पॉइंट को स्टेप बाई स्टेप समझ जाएं और कोई ऐसा कॉन्सेप्ट फिजिक्स में ना रहे, किसी भी क्लास का ना, सिर्फ आपकी क्लास का फिजिक्स जो आपके समझ में ना आए। इसीलिए मैं इनके नोट्स भी आपको दे रहा हूँ। अगर आपको कहीं लिखने में कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, सुनी नहीं है, क्लियर नहीं हुई है, तो उन नोट्स को भी आप डाउनलोड करके और अपने अच्छे नोट्स बना सकते हैं उनके हेल्प से। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसी आर्टिकल को कि किस तरीके से हम मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट यूजिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हाउ दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट शीट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो देखिए, सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट की थ्योरी कर लेते हैं, कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, पहले उस फार्मूले को डिटरमाइन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक ये प्लेट P1 है, मैं उसी को दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ। दिस इज आवर प्लेट P1। आपके सामने माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, ये जो कि फ्रॉम वन साइड इट इज सेमी सिल्वर्ड, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारा मिरर है M1। और ये देखिए, यहाँ पर मैं जो बात यहाँ बताना चाह रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए। ये देखिए, ये P1 और ये M1, ये इनके बीच की दूरी है। अब एक पॉइंट यहाँ से देखिए कि जब हम इनके बीच में एक ट्रांसपेरेंट सीट रख देते हैं, ये देखिए, ये एक ट्रांसपेरेंट सीट हमने रख दी है जिसकी थिकनेस कितनी है D, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू। ये हमें मेजर करना है, एक्चुअली कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, वो चीज़ हमें इसमें से मेजर करना है। तो चलिए वो करेंगे कैसे, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो ट्रांसपेरेंट प्लेट है इसको यहाँ P1 और M1 के बीच में इंट्रोड्यूस करने के बाद कितना पाथ डिफरेंस आ गया है। चलिए वही देख लेते हैं। ये देखिए, पहले हम देखते हैं इन एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट सीट, कितना पाथ डिफरेंस होता, इट इज इक्वल टू P1 M1। मान लो ये सीट थी नहीं, तो यहां पर कितना पाथ था इन लाइट रे का यहां से यहां तक जाने में, दी पाथ ट्रेवल बाय द लाइट फ्रॉम P1 टू M1, इट इज इक्वल टू P1 M1 इन एयर। ये एयर में से ही था, क्यों, एयर ही थी यहां पे। अब जब ये सीट यहां इंट्रोड्यूस कर दी, व्हेन दिस सीट ऑफ थिकनेस डी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू विच इज ट्रांसपेरेंट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ द P1 एंड M1 इन प्रेजेंस ऑफ सीट, इस सीट इन पाथ, या आप कह सकते हैं इन बिटवीन P1 एंड M1, इनके बीच में। अब कितना द पाथ ट्रेवल
कितना हुआ, ट्रेवल बाय लाइट, बताइए कितनी होगी, आप बता सकते हैं, इट इज इक्वल टू P1m1 - d। आपके बाद इतना रास्ता हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये d जो थिकनेस है, डिस्टेंस है, ये तो ग्लास स्लैब में से है, ट्रांसपेरेंट जो है, तो इसमें से ही मैंने d घटा दी है इन एयर, ये तो एयर में से चल दी इतनी, तो इतनी दूरी तो, प्लस d इन सीट, ये इस ट्रांसपेरेंट सीट में से चली, तो ये क्या हो गया बेटे, हम लिखेंगे P1m1 - d, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 ही होता है एयर का, तो प्लस म्यू डी, ये देखिए, क्योंकि शीट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ये हो गया। अच्छा ये देखिए आप, जब ग्लास ट्रांसपेरेंट सीट इंट्रोड्यूस की इस पाथ में P1 और M1 में, तो इतना पाथ ट्रेवल हुआ, और जब ये नहीं थी तो कितना पाथ ट्रेवल हो रहा था, P1 M1, तो इस सीट के यहां इंट्रोड्यूस करने के बाद कितना एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस डेवलप हो गया यहां पे, वो देखते थे। विद इंट्रोडक्शन द सीट, द एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय, वो देखिए कितना हो जाएगा, वो आप निकाल सकते हैं यहां से, ये देखिए P1 m1 - d प्लस म्यू डी, ये तो ये हो गई, और माइनस वो कितना था P1 m1, जब ये सीट नहीं थी तो पाथ डिफरेंस सीधा P1 m1 ही था, तो ये हो गया। इसको थोड़ा आप सोल्व कर दीजिए, ये देखिए ये पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना जाएगा, P1 m1 - d प्लस म्यू डी माइनस P1 m1। अब ये तो अब देख रहे हैं कैंसिल हो गया है, और हमारे पास ये आ गया है म्यू माइनस वन, डी हम कॉमन ले लेते हैं, यहां से देखिए म्यू माइनस वन और डी यहां ले ली, यानी कि हमने यहां एक पॉइंट नोट कर लिया कि जैसे ही ये डी थिकनेस की म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ट्रांसपेरेंट सीट रे नंबर 1 जो आ रही है इसके पाथ में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, डिफरेंस डेवलप हो जाता है, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जो है वो डेवलप हो जाता है। अब हम इसको ये तो थ्योरी हो गई है, अब हम एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, वो देखिए बेटा क्या करेंगे। सबसे पहले इसकी माइकलसन इंटरफेरोमीटर की सेटिंग करने के बाद और इस बार हम व्हाइट लाइट सोर्स यूज कर लेते हैं, यानी यूजिंग व्हाइट लाइट सोर्स प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न एंड सेट द वर्टिकल क्रॉस वायर ऑफ द टेलीस्कोप एट वन ऑफ द एक्रोमेटिक, एक ही होती है एक्रोमेटिक फ्रिंज, एंड नोट द माइक्रोमीटर स्केल रीडिंग, लेट इट बी X1। मतलब हमने क्या किया, व्हाइट लाइट सोर्स से जो फ्रिंजेस प्रोड्यूस की, और जो सेंट्रल फ्रिंज आप सभी जानते हैं व्हाइट लाइट के केस में एक्रोमेटिक होती है, व्हाइट कलर की होती है, उस पर हमने अपने इस वर्टिकल क्रॉस वायर को सेट कर दिया और माइक्रोमीटर की स्केल नोट कर ली। नाउ अब क्या करेंगे, नाउ इंट्रोड्यूस द सीट हुज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज म्यू एंड थिकनेस इज डी इन द पाथ ऑफ द लाइट रे P1 and M1। ड्यू टू इट यू नो दैट द फ्रिंज गेट शिफ्ट हियर एंड एडिशनल पाथ डिफरेंस कम्स हियर म्यू माइनस वन इंटू डू, इतना पाथ डिफरेंस आ जाए, एंड अगेन सेट दिस वर्टिकल क्रॉस वायर ऑफ द टेलीस्कोप ऑफ द एक्रोमेटिक फ्रिंज बाई चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द मिरर M1। दोबारा से उसको ले आइए एंड नोट द फाइनल रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर स्केल, नोट द फाइनल रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर
स्केल, लेट इट बी एक्स टू, और अब आप देख रहे हैं कि एक्स टू माइनस एक्स वन इट इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू डी, क्योंकि जो पाथ डिफरेंस आया था पहले x1 था, इसको डालने के बाद फिर उसी को सेट किया तो वो x2 रीडिंग लिया हमने, तो ये हो गया। यहां से आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, ये देखिए d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई म्यू माइनस वन। इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज देयर, इस इक्वेशन को हमें x1 भी पता है जो हमने पहले रीडिंग ली थी जब ये सीटियां नहीं रखी थी, हमें x2 भी पता है, दोबारा से इसे उसी एक्रोमेटिक फ्रिंज पर सेट करके फाइनल रीडिंग ली थी वो x2 थी, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से ही पता है इस ट्रांसपेरेंट सीट का, तो फिर हम थिकनेस ऑफ दिस सीट कैन बी मेजर्ड, दिस इज थिकनेस, यानी हम क्या कहेंगे कि दिस इक्वेशन वन इज यूज्ड टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट सीट इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन, या न्यू इसका पता होना चाहिए। और ये देखिए, मान लो इसकी थिकनेस हमें पता है तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन हियर, ये देखिए हम म्यू चाहते हैं, ये देखिए म्यू माइनस वन इट इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई डी, ये देखिए, और यहां से हम लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइड बाई डी प्लस वन, दिस इज द फार्मूला। दिस इक्वेशन, इसमें हमें एक्स वन पता है, एक्स टू पता है, और अगर हमें इसकी थिकनेस भी ऑलरेडी पता हो तो फिर हम इस सीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं। आप यही कहेंगे इक्वेशन टू इज यूज्ड टू मेजर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट सीट इफ इट्स थिकनेस इज नॉन। तो प्यारे बच्चों, बहुत लेंथी हमारा आज का ये लेक्चर हो गया है, इसमें हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में, उसकी सेटिंग के बारे में, उसकी तमाम जो बातें हैं वो बहुत ही आपने अच्छी तरीके से समझ ली होंगी, समझ में ज़रूर आई होंगी, और फिर इनकी एप्लीकेशंस कैसे कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं वो सारी बात भी आपने पढ़ी, चाहे फिर वो किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ डिटरमाइन की करने की बात हो, या किसी सीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर उसकी थिकनेस मेजर करने की बात हो, ये सारी चीज़ें आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई। अगर आपको समझ में आई है तो कमेंट्स ज़रूर करें, बताएं ज़रूर कि सर हमें समझ में आया है या नहीं आया है, या कोई कहीं डाउट हुआ है तो वो भी कमेंट्स में जा करके ज़रूर बताएं, अपने देश अपनी जगह के नाम के साथ, ताकि हमें पता लगे कि कहीं किसी स्टूडेंट को कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही है। और प्यारे बच्चों, अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सब कुछ समझ में आया है तो फिर आप अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, और बेल आइकॉन दबाना, प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको आने वाला जो वीडियो है, जो हम डिफ्रेक्शन, इसी यूनिट का पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी, उसके ऊपर भी हम आपके लिए वीडियोज अपलोड करने वाले हैं तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, ना सिर्फ बीएससी सेकेंड ईयर के लिए बल्कि सभी क्लासेज के फिजिक्स के लिए, सभी, चाहे वो 11th 12th हो, चाहे बीएससी और एमएससी, तमाम फिजिक्स के तमाम सॉल्यूशंस के लिए आपका ये चैनल आपके लिए अप्लीकेबल होगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डिफ्रैक्शन फिनोमिना जो है आपका सिलेबस उसके साथ, और इतनी देर तक अगर किसी भी स्टूडेंट ने पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा है तो मैं उसका थैंक्स जरूर करना चाहूँगा, और उस बच्चे का भी जिसने अभी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और शेयर किया है उसका भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।